मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ के वीरांगना अवंतीबाई अस्पताल में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए मुफ्त कोरोना वायरस रोधी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए अब कोरोना टीकाकरण का बड़ा अभियान शुरू हो गया है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार इस अभियान की मॉनिटरिंग करते रहे। प्रदेश सरकार ने स्टेट प्लेन भेजकर हैदराबाद से वैक्सीन की एक बड़ी खेप भी मंगवाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 7 जिलों के 85 केंद्रों पर टीका लगाने का काम किया जा रहा है। इन 7 जिलों में अगले 5 दिनों तक लगातार वैक्सीनेशन का काम किया होगा। इसके बाद अन्य जनपदों में भी 45 साल से अधिक और 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण होगा। प्रदेश सरकार को 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध हो गई है, जिसे सीधे कंपनियों से खरीदा गया है। प्रदेश में 5 करोड़ वैक्सीन का ग्लोबल टेंडर भी प्रारंभ हो चुका है। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाने की शुरुआत जिन 7 जिलों में शुरू हो गई उनमें लखनऊ, कानपुर, नगर, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और बरेली शामिल है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसके बाद इस आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण की शुरुआत होगी। राजधानी लखनऊ में सबसे अधिक एक्टिव केस है, इसके साथ ही अन्य 6 जिलों में भी संक्रमण का खतरा काफी गहरा है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इन शहरों में टीकाकरण सबसे पहले हो रहा है। इन 7 जिलों में कोरोना संक्रमण के 9,000 से ज्यादा सक्रिय केस है। 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के टीकाकरण के साथ साथ प्रदेश में 6,000 से अधिक केंद्रों पर 45 साल से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण भी लगातार चल रहा है। टीकाकरण को लेकर सभी आवश्यक कदम उठाने और कहीं भी कोई लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए गए हैं। वैक्सीनेशन सेंटर पर कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाएगा। 18 से 44 साल आयु वर्ग के लिए राज्य सरकार ने कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया है। इससे 50 लाख डोज का ऑर्डर भारत बायोटेक और इतना ही सीरम को दिया गया है। बाकी 4 से 5 करोड़ डोज की आपूर्ति के लिए राज्य सरकार ग्लोबल टेंडर जारी कर रही है। इसके लिए केंद्र सरकार से मंजूरी ली गई है। प्रदेश में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 9 करोड़ 28 लाख लोग हैं।